इंदौर में बिहार से आकर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को क्राइम ब्रांच और राव पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से 7 मोबाइल फोन, 22,000 रुपए सहित ATM कार्ड और लाखों रुपए का लेनदेन का हिसाब किताब भी मिला। मामला राव थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ओम प्रकाश द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की गई थी कि उसे पैसे का दुगुना लालच देकर 22,000 रुपए धोखाधड़ी कर दो युवक फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है गिरोह उन लोगों को शिकार बनाता था जो बैंक के बाहर या तो पैसे जमा करने जाते थे या फिर पैसा निकाल कर बाहर आते थे। उन्हें अपनी बातों में उलझा कर दुगुना पैसा का लालच देकर धोखाधड़ी का शिकार बनाते थे। पकड़े गए गिरोह के मुख्य सरगना अवधेश पासवान सहित उपेंद्र, राजेश, सुनील और एक अन्य दो युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से लाखों रुपए का लेन देन का हिसाब, ATM कार्ड, 7 से भी अधिक मोबाइल फोन और 22,000 रुपए नकद बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले में अन्य और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम जो गठित की गई है क्राइम ब्रांच के द्वारा विशेष सहयोग करके और एक बिहार का गैंग पकड़ा है, उसमें राहुल की वारदात का भी खुलासा हुआ है, जिसमें कि ये लोग बैंक के पास में जो भी इनका शिकार होता था उसको अपनी बातों में उलझा कर उससे पैसा ले लेते थे। इंदौर से NK मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।